विस्मित किस्मा, ठीक है। सो सबको पहला परिभाषा हम देखो, क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप है बेटा, ठीक है, टर्म टू सब्जेक्टिव है, तो थानू विस्मित की परिभाषा भी पूछी जा सकती है, हम कुछ भी एमसीक्यूज नहीं है। तो सबको पहला परिभाषा, डेफिनेशन, डेफिनेशन ही दिखी होएगी एनीवन, ठीक है। इन तुसी इंटरजेक्शन भी कहते हो, राइट। सो जदों असी अपने खुशी दे भावां नू, ठीक है, या अपने गमी दे भावां नू आपां एक्सप्रेस करते हाँ, ठीक है। हुण जिस तरह खुशी है, जिदा मैं थानू सारे नू कहा कि तुसी क्लास डेकोरेशन विच अच्छा पार्टिसिपेट किया, सो थैंक यू, है ना। सो खुशी है, मैं अपने एक्सप्रेस तुहाडे सामने रखे, उहनू आपां की कहने हाँ, विस्मय कहने। जदों असी अपनी खुशी दे, गमी दे, हैरानी दे भावां नू, अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं, मन के भाव जरूर आएगा, तो थोड़े मन या फीलिंग पर आप व्यक्त करते हैं, उन्होंने आप कहने हाँ, विस्मिक कहने हाँ, ठीक है। ये हो गई डेफिनेशन। उस तो बाद विस्मिक जड़े ने वो हैं 9 तरह के, ठीक है। तो टेबल बनाना है तुसी, ठीक है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पहला आएगा किस्मा, देन परिभाषा, देन उदाहरण, ठीक है। किता होया है तुसी, सबने किता होया है, ठीक सो फर्स्ट किस्म है संबोधनी विस्मय, ठीक है। किता आगे पीछे हो सकती है, राइट, जरूरी नहीं कि तुसी पूरे वो ऑर्डर से ही लिखना है, संबोधनी विस्मय, ठीक है। संबोधनी विस्मय किसे कहते हैं, जदों असी किसी नु बुलाना होवे, ठीक है। इनकी डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन आपां इन शॉर्ट दे विच लिखनी है कि किसी नु बुलाने दे लिए वरते जान, ठीक है। किसी नु बुलाने लिए वरते जान, आपां की कहने हां, संबोधनी विस्मय, ठीक है। जिस तरह से कहता नी कुड़िए वे मुंडिया, ठीक है, आप कहने ना नी कुड़िए इधर आ, और ये पीछे लगता की है एक्सक्लेमेटरी साइन, जिस तरह आप पहला लिख देता नी कुड़िए, ठीक है, ये निशानी की है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन जरूर लगता है, ठीक है। सो जदों असी किसी को बुलाना होवे, जस्ट वेट, ठीक है। तो जदों असी किसी को बुलाना होवे, आप कहने नी कुड़िए इधर आ, ते पिछे जदों आप चुनना है, चुनना ते किस्म जदों आएगी, चुनो ते किस्म, ठीक है, ते फिर तुसी एक्सक्लेमेटरी साइन नू भी नाल ही चुनना है, ठीक है। फर्स्ट क्लियर, सेकंड प्रशंसावाचक विस्मय, प्रशंसावाचक विस्मय, प्रशंसावाचक विस्मय दे विच की होएगा, प्रशंसा जो आपां किसे दी अश्मित, मैम विस्मिक का मैम मीनिंग लिखना है या मैम सीधा टेबल से स्टार्ट करें? तुसी पहला परिभाषा लिखनी है, ठीक है, ओके। पहला तुसी दे डेफिनेशन लिखनी है अश्मित, उस तो बाद विच तुसी टेबल बनाना, उन्हों 3 पार्ट्स विच डिवाइड करना है, ठीक है। मैम एक बार डेफिनेशन बोल दो दोबारा। ऊपर ऊपर ये हेडिंग दे देनी है, किस्मा परिभाषा ते उदाहरण, ठीक है। सब तो पहला तुसी अपनी कॉपी ते डेफिनेशन लिखनी है, राइट, अपने मन दे भावां नू खुशी गमी राही बयान करना, उन्हों आपां विस्मय कहने हां। फिर तुसी टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है, टेबल दे विच तुसी उन्हों 3 पार्ट विच डिवाइड करना है, ठीक है। पहला संबोधनी, जिथे किसी नू कुछ भी विजिबल ना होए, कोई वर्ड समझ ना लगे, मैनू कुछ जरूर लियो, ठीक है, ओके अश्मित, यस मैम। ओके, राइट। सो प्रशंसावाचक विस्मय जो आप मन की खुशी नु प्रगट करते हाँ, ठीक है, मन की खुशी नु प्रगट करने लिए, ठीक है, मन की खुशी नु प्रगट करने लिए। हुण आपां मन की खुशी नु प्रगट किदां करदे आं, असीं कई वारी साडे देखो ये जड़े ने ना सारे हाव भाव आ, असीं सोचदे थोड़ी आ, साडे ऑटोमेटिकली साडे सहज सुभाव ही निकलदे रहिंदे ने मन विच भी ना, जिस तरह मन की खुशी नु प्रगट कीता,
की करता दापा करता वाओ है ना वेरी गुड है ना दापा कहने ना या जिस तरह की वाह भाई वाह बोलते हाँ कि ये तस्वीर बहुत ज्यादा सोहनी है तुसी अपनी मन की खुशी नु प्रगट किया ठीक है हाँ जी लवली ना मैम थोड़ा सा जूम कर दो स्क्रीन मैम विजिबल नहीं है बोल ओके जस्ट वेट बेटा जस्ट वेट ठीक है मन की खुशी नु प्रगट करन ले राइट सो आप मन की खुशी नु प्रगट किदा करदे हां आप कह रहे हैं बल्ले बल्ले जिस तरह तुसी क्लास विचों दी बढ़िया नंबर कहते हैं ना तुसी कहते हो कि बल्ले बल्ले मैं पास हो गया या मैं पास हो गई चेक का मिट्टी साइन जरूर लगाना है इहदे नाल ही विस्मिक बनेगा एक तो बिना विस्मिक नहीं बनेगा ठीक है बल्ले बल्ले हो गया या आप करनी वाह भाई वाह है ना वाह भाई वाह बोल दिता मैं अभी बोल दिया आहा आहा इसे तस्वीर कितनी सोनी है ठीक है बल्ले बल्ले वाह भाई वाह आहा फोर वी वर्ड्स आ सकते ने इहदे नाल ठीक है क्लियर है दो क्लियर है सबनो नेक्स्ट थर्ड शोक वाचक विस्मिक शोक शोक किनू कहते ने जिनू आप कहने अपने दुख दर्द नू बयान करना है ठीक है शोक वाचक विस्मिक मन दे दुख नू ठीक है मन दे दुख नू प्रगट करने या फिर जड़े भाव बोलते हाँ या व्यक्त करते हाँ उन्होंने आप कहने हाँ शोक वाचक विस्मिक हुण तुसी कई बारी मान लो कि दुखी हुंदे हो ठीक है असीं कहने आ कि आपां इंग्लिश विच बोलदे ना ओ माय गॉड ये की हो गया है ना एदां ही आपां बोलदे आ हाय रब्बा ये की हो गया है ना तां आपां बोलदे आ हाय मां जदों आपां बहुत तकलीफ हुंदे आ है ना इस तरह आपां वर्ड बोलदे आ या उप बोलदे आ आपां उप है ना ठीक है तो एग्जांपल्स विच लिख लो उप पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन या हाय एक्सक्लेमेटरी साइन या ठीक है उप हाय या हाय रब्बा ठीक है तीन क्लियर ने संबोधनी विस्मिक अदमा ही रेस मैम पिटकार ना की हुंदा है जो असि किसी नु टॉन्टिंग करते हाँ ना ताने मारते हाँ ठीक है जिदा कई बार आप कह रहे हाँ लख लानत है ना आप बोलते हैं दूर पिटे वो ठीक है वह सारे आ जाते हैं जो आप किसी फिटकार दे हाँ राइट सीधी डेफिनेशन लिख लो कि फिटकार या लानत दे भाव प्रगट करने लई फिटकार या लानत दे भाव प्रगट करने लई ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप कह दिता दूर पिटे नू ठीक है एक्सक्लेमेटरी साइन लख नानक ठीक है लख नानक कोई भी की काम किया ठीक है मतलब आपा किसी को टॉन्टिंग मारनी है और टॉन्टिंग भी आपा नेगेटिव मारनी है ठीक है ओदे लिए आपा वरतते हां राइट फिटकार नेक्स्ट हैरानी वाचक विस्मिक फिफ्थ है हैरानी वाचक विस्मिक वो देखो कई बार असि की करते हाँ मन के भाव ने जो हैरानी वाले भी हो सकते हैं कई बार सपोज तुम बहुत ज्यादा मेहनत की है तो घट नंबर आ गए
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈਸਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਸਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟੇਬਲ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਪਿੱਛੇ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਸਾਈਨ ਜਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਸਮਿਤ ਭਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਮਿਤ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਮਿਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੂਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜ ਹੋ ਗਏ ਕਲੀਅਰ, ਨੈਕਸਟ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਏਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਓ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਰਿਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਦੋ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਅਸੀਸ ਜਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜਾਂਪਲ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਓ, ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਸਾਈਨ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਜਾਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਬੇਟਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਤ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਸ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਸ ਹੁੰਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਦੀਆ ਮੈਮ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਭਾਗ। ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਲਿਖੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲੋਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
कोई गेस्ट आया वो आप की कहने वेलकम ठीक है वेलकम ही आप बोल देना फिर एग्जाम्पल आएगा डी आई एम होम एक्सक्लेमेटरी साइन फिर आप की बोल दें हाँ धन्यवाद तुम साढ़े घर पधारे है ना मतलब कि साड़ी किस्मत जागदी कि तुम साढ़े घर आए हो धन्यवाद जी आया नू या आप कई बार बोल दिया आओ जी ठीक है क्लियर है डेफिनेशन लिख लोगे सतिकार दे भाव प्रकट करने डेफिनेशन इजी है ठीक है जिहड़ा भी विक्टिम का नाम आता है ओनू तुसी अगो दी लिख देना इलैबोरेट कर देना ठीक है वो तुहाडी बन गई डेफिनेशन सो दो रह गए साडे एक इच्छा ते एक सूचना नेक्स्ट देखो इच्छा वाचक किसने कौन इच्छावाचक किसने की है इच्छावाचक किसने का जेदे विच तुसी अपनी मन दी इच्छा नु प्रगट करदे हो ठीक है यह सरस्वती अर्शप्रीत मन दी इच्छा दे भाव प्रगट करना ठीक है गुड डेफिनेशन लिख लो बेटा मन दी इच्छा दे भाव प्रगट करन ली ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਛਾ ਵਾਚਕ ਕਿਸਮੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ ਹਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲਵਲੀ ਨਾ ਕਾਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ प्रधानमंत्री हूं काश मैं लखपति हूं है ना जे ही थानू आज वे की अगे लिखा हो डैश मैं लखपति हूं और आज भी विस्मिक भरो फिर तुसी की लिख सकते हो काश मैं लखपति हूं ठीक है या तुसी कह सकते हो हे दाता है ना या पर रब नु भी तो कई बार इच्छा जाहिर कर दी है ना हे परमात्मा मेरा ये वाला काम कर दी जरूर कर दी है ना हे परमात्मा मेनू चंगे नंबर नाल पास कर दी तुहाडी इच्छा ही ता है ना हे दाता भी हो सकता है हे मालका भी हो सकता है हे परमात्मा भी हो सकता है क्लियर है यस अश्मित अश्मित एनी डाउट सतिकार में क्या लिखेंगे मैम परिभाषा सतिकार दे भाव प्रगट करन लई ठीक है ऐसे तरह ही इच्छा वाचक विच इच्छा मन दी इच्छा दे भाव प्रगट करन लई ठीक है लास्ट सूचना वाचक विस्मय हम सूचना के हम कहने हैं जब हम किसी को सूचित करते हां अलर्ट करते हां किसी भी चीज को ठीक है लवली ना किसी को सुचेत करने लिए जो शब्द बरते जान ठीक है डेफिनेशन लिख लो किसी को सुचेत करने लिए ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਿਆ ਮੈਮ ਸਾਵਧਾਨ ਬਚ ਕੇ ਵੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁੱਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਡ ਅੱਗੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਿਖੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਬਰਦਾਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਬਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੋਇਆ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੂਚਨਾ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮੇ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ
नेक्स्ट विस्मिक चिन्ह तो तुहानू पता लग गया एक्सामेट्री साइन ठीक है विस्मिक किन्नी तरह के होंगे ने ये भी आप कर लिया नौ तरह के ठीक है नेक्स्ट है विस्मिक शब्द चुनो हम काफी देखो शब्द ने उ लिखा हुआ है पर क्योंकि असी सेकंड है ते अति उना फिर है दा दे दी फिर है वे नी अड़िया शाबाश मतलब देखो हम पर क्योंकि असे एता योजक बन जाते हैं ना ते ते अते ए संबंधक बन जाते हैं दा दे दी ए भी उही बन जाते हैं ते फिर यस रमनी मैम लास्ट ऑप्शन वे नी अड़िए ठीक है डी ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट है संबोधनी विस्मिक चुनो हुण तुहानू अगर सारयां दी डेफिनेशंस और सारयां दी एग्जांपल्स पता होएगी तो तुसी इजीली ओ वाली चीज ले सकते हो अर्चिता अर्चिता मैम फर्स्ट ऑप्शन वे नी नी कुड़िए ठीक है गुड संबोधनी क्योंकि आपां एदा किसी नू संबोधन करदे आं बुलांदे आं नेक्स्ट प्रशंसावाचक विस्मिक चुनो प्रशंसावाचक इवा मैम ए ऑप्शन शाबाश वाह ठीक है गुड शाबाश वाह नेक्स्ट हाय और अब्बा अफसोस हाय मां विस्मिक केड़ी किस्म दे हन देखो पहला शब्द चुनने आ गए थे फिर उन्होंने एग्जांपल्स दीतियां फिर उन्होंने पूछा भी किस्म केड़ी है यस दिया मैम एड़ा ऑप्शन शोकवाचक विस्मिक शोकवाचक विस्मिक ओके गुड इच्छा प्रगट करने लिए केड़े किस्म दे विस्मिक वरते जाते हैं जो सी इच्छा प्रगट करनी होंगी है रमनी मैम इच्छावाचक विस्मिक नहीं ओदे विच बेटा देखो उन्होंने दिता हुआ अगे बुक दे विच कि काश जे किते परमात्मा या आओ जी जी आया नू केड़ी ऑप्शन आएगी इहदे विच काश काश जे किते हे परमात्मा ठीक है नेक्स्ट दुर्पिटे मूह लख लानत बेशरम शब्द किस प्रकार दे विस्मिक हन हुण तुसी किस्म किस्म दसनी है ये ते केड़ी किस्म होएगी आशप्रीत फिटकारवाचक विस्मिक फिटकारवाचक किस्म असीस वाचक विस्मिक चुनो असीस लवलीना हुण इहदे विचों असीस वाचक चुनो मैम उड ऑप्शन गुड सुहागण होवे जवानियां मानो ठीक है नेक्स्ट 11 खबरदार ठहर जाओ ए केड़ी किस्म दे विस्मिक हन यस अर्चिता मैम एड़ा ऑप्शन सूचनावाचक ठीक है ओके गुड नेक्स्ट हार्दिक स्वागत आशप्रीत हार्दिक स्वागत जी आया नू धन भाग आदर सूचक विस्मिक आदर सूचक ठीक है इथे देखो बेटा आदर सूचक है आदर मतलब की हुंदा है रिस्पेक्ट ठीक है आदर मीन रिस्पेक्ट जे उथे सतिकार नहीं आएगा तो उथे आदर आएगा तो फिर वो आदर ही होएगा ठीक है नेक्स्ट है कमाल है वाक ए किस विस्मिक दी वरतो हुई है मतलब ए केड़े किस्म दे हन पनिका हैरानी वाचक ओके नेक्स्ट शाबाश वाह बल्ले बल्ले ये केड़ी किस्म है लवलीना शाबाश वाह वी वाह बल्ले बल्ले प्रशंसा वाचक ठीक है नेक्स्ट दिया नी कुड़िए रोला ना पा इदे विच केड़े किस्म दी वरतों हुई है ईडी ऑप्शन संबोधनी विस्मिक ठीक है ते जे मैं कहां कि इदे विच विस्मिक चुनो नी कुड़िए विद एक्सक्लेमेशन मार्क हां विद एक्सक्लेमेटरी साइन ठीक है सदके ओए तू सपने पूरे कर दिते रमनी विस्मिक भी चुनना है नाले तुसी मेनू ऑप्शन ओ भी दसना है केड़ा हैगा सदके ओए तू ता सपने पूरे कर दिते ए केड़े किस्म दी है मैम असीस वाचक असीस बेटा आप ब्लेसिंग दिने आ तू ता सपने पूरे कर दिते हैरानी वाचक हैरानी भी हो सकता है
ओके हैरानी भी हो सकता है बट ये ऑप्शन हैरानी नहीं है प्रशंसा है, हैरानी भी हो सकता है लिसन बच्चे क्योंकि ठीक है ऑप्शन तुमने नहीं पढ़िया तो आप सदके हुए तू तो सुपने पूरे कर दिए आप हैरान भी तो होंगे ना। सो हैरानी और विस्मय जड़ी है प्रशंसा है ना ये ऑलमोस्ट कितने ना कितने सेम है बस डिपेंड करता है कि तुसी करना की हुण रमी के विच दसो तुसी विस्मय चुनो सदके हुए विद एक्सक्लेमेशन साइन ठीक है वेरी गुड ओके क्लियर है बेटा ठीक है। सो ए तुसी अपनी बुक तो ही कर लो ठीक है नेक्स्ट जो तुसी क्लास विच आओगे तो मैं थानू विस्मय चुनो ते किस्म दियां होर भी एग्जांपल्स दे दवांगी ठीक है और अगर किसी नूं कोई भी डाउट होए तो मैंने पूछ लो एनी डाउट इन तुसी अपनी फेयर कॉपी ते कर लियो नवीना डाउट है थोड़ा कोई ओके okay.